Good morning, students. Today's video lecture is based on connective tissue cell family. As you very well know, students, ki connective tissue aapki body ke char tissues mein se ek tissue hai. Aur ye tissue, jaisa ki naam suggest kar raha hai, connective tissue, it connects your body's different cells and tissues together. So out of the four tissues that are present in your body, that is the epithelial tissue, the connective tissue, muscle tissue and the nerve tissue, we are going to study about the cells of the connective tissue family. So connective tissue pehle kya hota hai students, it is a connecting link. मैंने आपको बताया उसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो कनेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को फॉर बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग. अब क्योंकि हमें स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दी सेल्स. एक प्रिलिमिनरी आइडिया हम ले लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है. इट कंटेन्स सेल्स, मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस. एक्चुअली में स्टूडेंट्स, ये जो कॉलेजन फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, वो ही उसको उसकी पहचान देते हैं, कॉलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स. तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस होता है. ये डायग्रामेटिकली स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, सेल्स हैं एंड फाइबर्स. नाउ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो दो टाइप के हैं. फिक्स सेल्स जिनको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, एंड फ्री सेल्स जिनको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं. जो फिक्स्ड सेल्स या इंट्रिंसिक सेल्स हैं वो हैं फिब्रोब्लास्ट, मीजेनकाइमल, एडिपोसाइट एंड पिगमेंट सेल्स. और जो फ्री सेल्स या एक्सट्रिंसिक सेल्स हैं वो हैं मैक्रोफेज, जिन्हें हम हिस्टियोसाइट कहते हैं, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल एंड ल्यूकोसाइट. तो टोटल अगर आपको सेल्स पढ़ने हैं कनेक्टिव टिश्यू के, तो वो हो गए स्टूडेंट्स 8, जिसमें से 4 फिक्स्ड हैं एंड 4 आर फ्री सेल्स. जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपके फ्री सेल्स में आते हैं, जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो फिक्स सेल्स में आते हैं, और इनके डायग्राम्स भी हमने यहाँ पे शो कर रखा है. फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट जो होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन सेल विच इज सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. फिब्रोब्लास्ट इज फ्यूजीफॉर्म विथ स्लेंडर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस. It has a large oval nucleus and it is responsible for fiber production. हमने बताया connective tissue में 2 types of fibers होते हैं, collagen fibers and elastin fibers. तो जो old inactive cells होते हैं fibroblast के, उन्हीं को fibrocytes कहते हैं. और जो contractile cells होते हैं उनको हम myofibroblast कहते हैं. फिब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट मोर एट दी साइट्स ऑफ वुंड हीलिंग. नाउ द एडिपोसाइट्स और द फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स और फैट सेल्स जो हैं वो सिग्नेट रिंग लाइक अपीयरेंस में होते हैं, एंड दे स्टोर लिपिड फैट. दे डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन एंड दे अकर इन लूज एरियोलर टिश्यू. लूज एरियोलर टिश्यू में तो ये सिंगली होते हैं, एंड एडिपोस टिश्यू में ये ग्रुप्स में होते हैं. नेक्स्ट इज द मीजेनकाइमल सेल. इसको आपको याद रखना है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है जो कि प्लूरीपोटेंट होता है. स्टीलेट इन शेप है एंड इट इज फाउंड अलोंग ब्लड वेसल्स. देन वी हैव द मैक्रोफेजेस, जिन्हें हिस्टियोसाइट्स कहते हैं. दे आर फ्री एंड फिक्स्ड टाइप. फिक्स्ड टाइप को तो आपने हिस्टियोसाइट्स भी कहा, जिनकी शेप जो होती है इरेगुलर होती है,
उनमें डार्क न्यूक्लियस होगा और ये मोनोसाइट से ही बनते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। जबकि जो फ्री सेल्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं और उनमें कोई भी प्रोसेस नहीं होता। इन अ वेरी शॉर्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट कम्स दी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो ओवल बेसोफिलिक सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस ईसेंट्रिक होता है। दी हेट्रोक्रोमैटिन इज प्रेजेंट एज कार्टवील न्यूक्लियस एंड दे आर डिराइव फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। दे प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट कम्स दी मास्ट सेल। मास्ट सेल्स आपको पता है हिस्टामीन एंड हेपारिन सिक्रीट करते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट मोस्टली अलोंग दी ब्लड वेसल्स जस्ट लाइक मेसेनकाइमल सेल्स एंड दे आर पैक्ड विथ कॉस ग्रैन्यूल्स। या आप मास्ट सेल का ग्रैन्यूल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी ल्यूकोसाइट्स। यू वेरी वेल नो स्टूडेंट्स ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो फाइव टाइप के होते हैं। अगर ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं तो न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स और अगर ए ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं। डायग्राम में हमने इनको दिखाया है। ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सो दीज आर द जनरल आइडिया स्टूडेंट की कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होते हैं। अभी हमने समझा स्टूडेंट्स की जो कनेक्टिव टिश्यू होता है सबसे पहले तो वो क्या होता है। एज वी वेरी वेल नो कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है डिफरेंट टिश्यूज़ को। हमारी बॉडी में जो फोर टिश्यूज़ होते हैं और इसी के अंदर ब्लड बोन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं और जो आप के एडिपोस सेल्स हैं एरियोलर टिश्यू है वो डेंस या लूज। अगर आप कनेक्टिव टिश्यू की बात कर सकते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू या तो डेंस होगा या लूज होगा और दूसरा टाइप होता है स्पेशलाइज्ड का। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड बोन आते हैं। तो ब्लड एंड बोन के सेल्स आपने देख लिए स्टूडेंट्स की वो बोन में जो होते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं और ब्लड में आपको पता है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी होती हैं। वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो उसके अंदर मोस्ट कॉमन सेल जो होते हैं वो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दीज फिब्रोब्लास्ट सेल्स ओनली फाइबर्स आर जनरेटेड। जो फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स उन्हीं की वजह से कनेक्टिव टिश्यू को उनकी आइडेंटिटी मिलती है। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो इन शॉर्ट टुडे स्टूडेंट्स वी हैव अंडरस्टूड कि बेसिक सेल्स कौन से होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम इन सेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने इनको शॉर्ट में देखा कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स दैट आर प्रेजेंट।